हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसा मठरी की रेसिपी, जिसे हम कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे, जिन्हें आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 कच्चे आलू। तो इन्हें छील कर मैंने अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस में काट लिया है। साथ में एक मीडियम साइज के प्याज को भी मोटा मोटा काट के लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। अब हम बिना पानी डाले इन चीजों का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बिना पानी डाले मैंने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसे हम यहाँ पर छान लेंगे ताकि आलू का कोई मोटा टुकड़ा यहाँ पर ना रह जाए, क्योंकि जब हम इसका डो बनाएंगे तो बेलते समय दिक्कत आएगी हमें। तो इसे अच्छे से छान लेते हैं, आलू का कोई मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। इसमें डालेंगे यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ में रख के इस तरह से इसे रगड़ कर डालेंगे तो इसका स्वाद जो हमारे समोसे में बहुत अच्छा आएगा। साथ में 1 चम्मच सफ़ेद तिल, तिल से हमारा जो ये समोसे हैं वो काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने ये थोड़ा सा घी मुएन के लिए, तो आप घी की जगह पर यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से जो हमारे ये समोसा है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, घी हमारे यहाँ पर आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये समोसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसमें ये 1 कटोरी आटा डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आटा यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितना आटा लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे आटा डालते जाएंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कितना आटा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये डो अभी यहाँ पर काफ़ी गीला है, तो इसमें 1 कटोरी आटा मैंने और डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये आटा गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है और पूरा आटा गूंथने में मुझे यहाँ पर 2.5 कटोरी आटा लगा है। तो आटे को मसल मसल कर यहाँ पर हम अच्छे से गूंथ लेंगे और अब इस आटे को ढककर हम यहाँ पर रेस्ट के लिए रख देंगे कम से 10 से 15 मिनट तक, ताकि आटा हमारे अच्छे से सेट हो जाए। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा हमारा यहाँ पर अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो एक बार इसे फिर से अच्छे से मसल के गूंथ लेंगे। ये देखिए, आटे को मैंने दोबारा भी अच्छे से गूंथ लिया है। तो हम यहाँ पर आटा लेंगे और इसकी यहाँ पर छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी लोई तोड़ी लेंगे इसकी। देखिए, इन्हें हाथ पे इस तरह से रगड़ कर मसलते हुए हम यहाँ पर ये गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी लोई हम इसी तरह से ये गोल गोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, आटे से मैंने यहाँ पर ये सारी लोई बनाकर तैयार कर ली हैं, तो इन्हें साइड में रख लेते हैं। अब एक लोई ले लेंगे और इसकी यहाँ पर एक छोटी सी पूरी बेल कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये घी लिया है, तो आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। उंगली पर थोड़ा सा घी लेंगे और पूरी के ऊपर लगा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ये सूखा आटा छिटक देंगे। अब इस पूरी को एक तरफ से उठाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें यहाँ पर ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, जिस तरह से हम पराठे वगैरह बनाने के लिए फोल्ड करते हैं उसी तरह से। और इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। अब इस पर 1-2 बार हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम ये छोटे छोटे समोसा मठरी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इनकी थिकनेस देखिए, कितना मोटा मैंने इन्हें रखा है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो इसे पूरी की तरह पहले फिर से छोटा सा बेल लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे उंगली से और थोड़ा सा सूखा आटा इस पर छिड़क देंगे। और इसे भी देखिए, फिर से हम यहाँ पर ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और बस 1-2 बार बेलन चलाकर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर अपने सारे समोसा मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आधी मठरी यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। तो अब चलते हैं गैस पर।
गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक एक मटर करके ये मटरियों को हम यहाँ पर तेल में डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल हमने मीडियम हीट पर यहाँ पर गर्म किया है, मीडियम फ्लेम पर ही हम यहाँ पर ये मटरी सेक कर तैयार करेंगे। ये देखिए ये अपने आप तैर कर ऊपर आ गई हैं, तो इन्हें हम पलट लेंगे और अलट पलट कर इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पर सेकेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर इन्हें हमें सेकना है ताकि ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाएं। तो मैंने तो ये मटरी यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाकर तैयार की है, तो आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इन्हें सेकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तभी ये एकदम से क्रिस्पी बनकर यहाँ पर तैयार होंगी। आप इन्हें एक बार बनाकर रख लीजिए और 2 महीने तक खाइए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। ये देखिए धीरे धीरे इनका कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो अब इन्हें थोड़ी देर हम और सेकेंगे। और ये देखिए ये मटरी हमारी यहाँ पर अच्छे से सिक चुकी है, इनका कलर देखिए कितना अच्छा ये आया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, एक झाले के ऊपर इन्हें निकाल लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा तेल नीचे निकल जाए। ये देखिए बाकी सारे समोसा मटरी भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म समोसा मटरी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक मटरी तोड़ के भी दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई है। तो आप इन्हें एक बार बनाकर रख लीजिए और महीनों खाइए। तो अगर आपको मेरी ये समोसा मटरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।